सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, और यहां पर कोरोना संक्रमण को जिस तरीके से नियंत्रण में रखा जाएगा वो समूचे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी तक जिस तरीके से किया गया है उसे ही आज की तारीख में उत्तर प्रदेश मॉडल के तौर पर भी देखा जा सकता है। हम इस समय नोएडा में मौजूद हैं, सेक्टर 128 जो विश टाउन सोसाइटी है जिसकी 3 टावर्स को सील किया गया है, तो कोरोना के हॉटस्पॉट के तौर पर समूचे नोएडा को जरूर देखा गया, लेकिन वहां पर चिन्हित किया गया उन सभी इलाकों को जहां पर या तो ऐसी स्थिति थी कि लोग बड़ी तादाद में निकल रहे थे, वैसे भी सेक्टर्स हैं, तो उन्हें अब रखना है अंदर तो ताले पर डबल ताला लगा दो। और दूसरी वो सोसाइटीज जहां पर संक्रमण के अधिक मामले आ रहे थे, तो यहां पर सोसाइटी के गार्ड्स के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की भी पूरी तरीके से तैनाती है और सब लगातार निगरानी कर रहे हैं कि कोई सर बाहर नहीं आ जाए, यही आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पर पालन तो हो रहा है। और आप लोग यहाँ पर खाने के साथ में देख रही हूँ किसके लिए? सर के लिए, सबके लिए, क्योंकि इन्हें मौका नहीं मिलता घर जाने का। यस मैम। आप कहाँ से आए? सेक्टर 128 सुल्तानपुर। अच्छा, तो यहाँ पर सबके खाने का प्रबंध करके आए। देखिए, एक एक करके लोग सभी हाथ बढ़ाते हैं, जो पुलिस वाले हैं वो भी मदद करते हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर वगैरह हम देखते हैं कि किसी इलाके में फंसे रहते हैं तो वहां पर जो मदद करने वाले आते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है उन लोगों को, और कोई फंसा होता है। जैसे इन सोसाइटीज में ही दूध की या फिर बाकी चीजों की अगर कमी होगी तो वो चीजें भी यहां से जो पुलिस है, पुलिस ही मुहैया करवा पा रही है ना, जो एसेंशियल चीजें हैं यहां पर, एसेंशियल चीजों को पुलिस ही यहां पर मुहैया करवा पा रही है। लेकिन अब पूरे यूपी में और दिल्ली में और इसी के साथ एक के एक राज्य जो आगे बढ़ रहा है, सबने मास्क अनिवार्य कर दिया है। मास्क पूरी तरीके से अनिवार्य है अगर आप घर से बाहर कदम रख रहे हैं तो। और नोएडा, आगरा, इसके जैसे ही बाकी जिले भी, गाजियाबाद, लखनऊ, सब जगह पर हॉटस्पॉट्स को ध्यान में रख के वहां पर पूरी तरीके से उन्हें सील कर दिया गया है। ये कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति इसी कारण आ रही है कि हम लोगों के पुलिस और प्रशासन के बार बार अनुरोध करने के बाद भी इसको आप लोगों ने फॉलो नहीं किया। जिसे हॉटस्पॉट बनाया गया वही मच गई दूध के लिए अफरा तफरी। जिस सोसाइटी को किया गया सील वहां लोग जरूरी सामान के लिए हो गए बेचैन। ये वक्त है लोगों के इम्तिहान का, ये वक्त है कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के नियमों के पालन करने का। लेकिन नोएडा एक्सटेंशन के पाम ओलंपिया सोसाइटी के लोग पहले दिन ही हैरान परेशान दिखे, और यही चुनौती है नोएडा प्रशासन के सामने, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान 22 ठिकानों को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है।